ಕೂಸರಿ ಆಗಿ बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ है और ये रंगकाट है दो दो बातों का आपके बीच में। राजा नल रानी दमयंती जंगल की ओर प्रस्थान कर देती है। राजा नल रानी दमयंती को कुटिया में छोड़ के जलपान की व्यवस्था में दूर चले जाते हैं। काफी दूर चले गए लेकिन कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आया। वो कलयुग माया रूपी तितर बनकर राजा नल का आगे गहरी डालता है। राजा नल मन में विचार करता है क्यों न इन तितरों को पकड़ा जाए। एक न रानी दमयंती खा लेगी, एक न तय खा लिए, तीन दिन फिर काट दिन। अपने तन पर एक धोती बची हुई उसको खोल कर उन तितरों पर लभा देता है। मारूपी तीतर उस धोती को लेकर आकाश में उड़ान भर जाते हैं। नगन अवस्था में एक बिड़े की आड़ में खड़ा हो जाता है। काफी देर हुई रानी दमयंती मन में विचार करती राजा न लाए नहीं। आवाज लगाती हुई हे महाराज ये पति देव कहाँ हो। जब रानी दमयंती की आवाज सुनी कि रानी मैं यहाँ खड़ा हूँ, हे महाराज बाहर आइए कि बाहर आने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे तन पर वस्त्र नहीं है। महाराज कहाँ गया क्या बताऊँ। राजा नल क्या कहता है, ए रे भूख प्यास ने सो कर देते हैं। देखिए ये बहुत बढ़िया बात भाई सुरेंद्र ने सुनाई। हमारी बात पहले राउंड में हमने सुनाई थी जो उससे अगली है। वे डाकू
लकड़हारे को भोरे में बंद करके और बिना की तलाश में निकल पड़ते। दूसरे किनारे पाए बिलावे खड़ी तो है पर के कहा इसने के बीर की जात से भौका लेंगे। उसके पास में आके ये कहते हैं कि तेरे को तेरी बहन बेला ने बुलाया। उनकी वेशभूषा और हाव भाव को देख के बिना उनको धिकारती कैसे क्या कहती। ओए चोर जारे लुच्चे डाकू का टीटी और मंडर 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। पार्टियों का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। चोर जार लुच्चे डाकू का के एतबार करूंगी, बेईमानो थारी छाती की मैं टक्कर मार मरूंगी। जो चोर होता है या जार होता है उसको पानी होते मोड़ा खुड़काउन दे बाजेगा। क्या कहा पल में डूबा ठेरी ओ के काग आंसनी तकता और के सरदार से तेरी मेरी सांस ने चन रखा से थरे नाम का केरी घर बैठी मेरे डूबे लाते के पार बसा जा मेरी पल्लम कस्ती लेन गया ओ पल्लम कस्ती लेन गया मैं परले पार और बेईमान छाती के मैं टक्कर मारे फिर चोर जारे लुच्चे डाकू का और बेईमान थारी छाती के मैं टक्कर मारे मरूंगी। Oh,
बेईमान करिया करोटाला अंत समय में मिले बुराई हो दरगाह में मुकाला पुण्य सर ने के रखा मेरे सर पे धनी रोखाला वैसे चाहो सो खैर जान की करके हो संभाला और जे चाहो फिर अगर जो हो संभाला थारे जहर भरे इस प्याले की भरे इस प्याले की नम हर गज घूट भरूगी और रे ईमान थारी छाती में हर डक्कर मार ओ अब जा यूपी वाले भाई तू भी आराम से बैठा यो कई बकर मारी गलिया देखियो रिकॉर्डिंग तो और भाई भी करते लेकिन जो मदन भाई इसकी जो रिकॉर्डिंग है एक नंबर की जो हमारे साथ धोखा कर देता थोड़ा थोड़ा आदमी मजाकिया भी है यो खैर यूपी का आदमी मजाक किया था सही और एक बार झूठ बोलन का वर्ल्ड कप हो गया अमेरिका और इंडिया फाइनल में इब अमेरिका का नंबर वो कहने लग गया भले इतना बड़ा फार्म है हमारा अगर हम अपने फार्म का अपने ट्रैक्टर से चक्कर लगावें तो एक महीना लग जा निर्णायक ने सोची भाई बहुत बड़ी झूठ बोली इसने 19 नंबर का कंपटीशन था 20 नंबर अमरीका दी दे दिए फिर आ गया नंबर इंडिया वाले का पांच चार आदमी तो जावे हैं को तोलिया को मणिया को बयान मछलनिया कुश्ती में भी देखे होंगे वो पांच चार आदमी जा रहे थे बोला भाई इस काम ने तो यूपी वाला कर सके है उठाया उठा फिर हौसले में न बोला इब जा बात कुछ ऐसे है भाई बारिश के मौसम में लौंडे ने तरबूज खा के बीज पतराल की डबकू फेंक दिया बेल उगाई और बेल का क्या बड़ा तरबूज लगा हमारा तो निकलते भी लगे बढ़ते भी लगे मैं सोचा इसे काम चलेगा नहीं मैं दुकानदार पे गया और 500 रुपये का चाकू ले आया और सीढ़ी लगा के तरबूज में टाकी लगानी शुरू कर दी थोड़ी देर बाद देखा वो चाकू गुम हो गया मैं सोचा चाकू छोड़ा नहीं जागा मैं तरबूज के अंदर घुसा मेरे चाचे का छोरा मुझे देख के कहने लगा दिल बाग तू कैसे आया न बोला यार मेरा चाकू गुम हो गया
नो बोला तेरा चाकू यहाँ कहाँ से मिलेगा, मैं चाचा के बैल ढूंढ रहा यहाँ दो दिन से। और निर्णायक हैरान हो गया कि पंगा है यू। निर्णायक कहने लग गया भाई तरबूज के अंदर का चक्कर है क्या ये। नो बोला और क्या अमेरिका वाले फार्म का कर रहा। नो बोला तरबूज में दो दिन तो बढ़ नहीं पाए देता मजीद रहे हो भाई। इतनी बात कही कि रानी तू अपने पीहर चली जाए महाराज, इस अवस्था में छोड़ के कहां जाऊं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा जैसे हालात में आपको छोड़ के जाऊंगी। कि रानी ये दुख तेरे से सहन नहीं होगा, ये महाराज चली तो जाऊं लेकिन क्यों कर जाऊं इस गहरे जंगल से, वो रास्ता भी ना दिखे कि रास्ता तो सीधा पड़ा है जो आज भी कायम है। दादा लक्ष्मी चंद ने बता रस्ता कि आज भी कायम हूं चली जा, किस रस्ते है क्या कहा। ओहो कुंदनपुर न जास है, एक रास्ता कुंदनपुर न जास है। इतनी कह के फसल गया, इतनी कह के फसल गया, नल मुर्गे लाड़े थंग में भाई स्टेज पे आ जाओ, अपना मोमेंटो कलेक्ट कर लो, आपको कमेटी सम्मानित कर रही है मोमेंटो देके। अशोक भाई और हरीश मास्टर भी भाई स्टेज पे आ जाओ, हरीश मास्टर जल्दी से।
भले पुरुष लागे बिन सत्संग उपदेश शरम जन रहे काद का कागे मान संग गुरु वेद बता दे धर्म राज के आगे यम के दूत पकड़ के ले जा आगे ते कित भागे लक्ष्मी चंद के थारे नाम की लक्ष्मी चंद के थारे नाम की मैं तार के में चले जाऊं